आमतौर पर आपने देखा है कि हिंदुस्तान की कंपनियां एक एस्पिरेशन रखती हैं, एक उम्मीद रखती है और एक इच्छा रखती है कि क्यों ना हम विदेशों में जाएं, वहां के बड़े बड़े बाज़ारों पर लिस्ट हो, चाहे वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज हो, नैसडेक हो या फिर लंदन स्टॉक एक्सचेंज। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि एक ऐसी कंपनी जो 35 सालों से उससे ज़्यादा से नैसडेक पर लिस्टेड है और वो कंपनी ये सोचे कि उनकी इंडियन कंपनी, इंडियन ऑपरेशंस वो लिस्ट होने चाहिए हिंदुस्तान में आकर, है ना कुछ नई बात? जी हाँ, ऐसी नई बात करने वाले एक खास शख्सियत से मैं आज आपकी मुलाकात करवाने वाला हूँ और आई एम श्योर जब आप उनसे मिलेंगे तो दंग रह जाएंगे, ठीक उसी तरह से जैसे मुझे ऐसा बड़ा सरप्राइज मिला कि क्या कश्मीर में पैदा होने वाला, पंजाब में पढ़ाई करने वाला एक यंग हिंदुस्तानी सिंगापुर जाए साल 2000 के आसपास, वहाँ से सिंगापुर जाए साल 1994 में, उसके बाद वहाँ से साल 2000 में अमेरिका पहुँच जाए और अमेरिका में एक ऐसी कंपनी को लीड करे जो कि टेक्नोलॉजी के मामले में और रेवेन्यू के मामले में नए रिकॉर्ड बना दे। जी हाँ, ये कंपनी थी एबिक्स और एबिक्स की इंडियन ऑपरेशंस अब हिंदुस्तान में 2017 से शुरू हुई है और उसे हेड कर रहे हैं उसके प्रमोटर और फाउंडर रॉबिन रैना साहब। रॉबिन, बहुत बहुत स्वागत है जी मीडिया पर आपका। और सबसे बढ़िया बात जो मुझे लगी आपसे मिलकर जानकर, कुछ भी हो दिल है हिंदुस्तानी। सो पूरी दुनिया में अपने बिजनेस में झंडे गाड़ने के बाद आपने 2017 से अपने इंडियन ऑपरेशंस की शुरुआत की और मैं हमारे दर्शकों को बता दूं सबसे बढ़िया बात, सिर्फ 4 साल हुए हैं, ज़्यादा नहीं, 27 से ज़्यादा कंपनियां अक्वायर कर चुके हैं जी, 26 कंपनियां बस आपके, शायद एक और मैंने एडवांस में आपको पहले बता दी कि होने वाली है। लेकिन जब आप पूरी दुनिया भर में इतना कारोबार करने के बाद हिंदुस्तान में आए, कैसे आया ये अंदाज़ा कि एबिक्स कैश जैसी एक कंपनी हिंदुस्तान में होनी चाहिए? देखिए, मेरे, मैं एक अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर हूँ मगर दिल से हमेशा ही हिंदुस्तानी रहा हूँ, तो मेरा हिंदुस्तान से बड़ा नाता था चैरिटी के कारण, मैं कुछ चैरिटी का काम करता हूँ थोड़ा बहुत तो। मगर जब मोदी जी 2017 के करीब अमेरिका आए और उन्होंने मेक इन इंडिया का एक ड्रीम रखा, तो एक पहली बार मुझे लगा कि मुझे इसमें डीप जाना चाहिए। और जब मैं डीप गया तो मुझे लगा कि इंडिया में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। देखिए, पॉपुलेशन नंबर्स पता है हमें, 1.3 बिलियन है, 65% हमारे जो लोग हैं वो 35 ईयर्स की एवरेज है, आ रही है अब इंडिया में, तो यंगेस्ट सोसाइटी है हमारी वर्ल्ड में। तो जब यंगेस्ट सोसाइटी होती है तो वो अलग सोचती है और बहुत बड़ी हमारी मिडिल क्लास है इस कंट्री में, तो मुझे लगा कि हम यहाँ ऐसा कुछ कर सकते हैं जो कहीं भी दुनिया में नहीं हुआ है। वो ये है कि एक फाइनेंशियल एयरपोर्ट बनाए, एक फाइनेंस और इंश्योरेंस का एक एयरपोर्ट बनाए जहाँ सब कुछ मिलजुल के एक ही जगह पे हो। तो एक विजन रखी और वही विजन को पकड़ के वो 4 साल से उसी जर्नी पे हूँ अभी मैं। तो एयरपोर्ट में तो ऐसा होता है रॉबिन कि एयरपोर्ट तो एक ही है, एयरलाइंस बहुत अलग अलग है जी, सारी एयरलाइंस, और मैं अगर मुझे ट्रैवल करना है तो मैं चूज कर सकता हूँ मुझे किस एयरलाइंस के साथ जाना है, राइट? सो ऐसा क्या खास आप करने जा रहे हैं, क्या आपके इस पूरे फाइनेंशियल एयरपोर्ट में अलग अलग कंपनियों के साथ आपके टाइप होंगे जो आकर आपके सिस्टम, प्रोसेस, आपके सॉफ्टवेयर, आपके टेक्नोलॉजी सपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे? देखिए, आपने बहुत अच्छा बोला कि आप अपनी एयरलाइन चूज कर सकते हैं मगर अपना एयरपोर्ट नहीं चूज करते, आपको वही इंदिरा गांधी उसी टर्मिनल पर जाना है, उसी टर्मिनल पर जी। तो हमारी कोशिश है कि हम एक एयरपोर्ट बनाएं। तो एयरपोर्ट कैसे बनाएं? जी, तो अगर आप एक फाइनेंशियल बिजनेस लीजिए इंडिया का, तो इस इंडिया के बिजनेस में क्या हो रहा था कि आप अगर पेमेंट सॉल्यूशंस का एक एरिया ले लीजिए, तो इसमें एक पैसा इंडिया आ रहा था, तो जो पैसा इंडिया में आता है उसको डील करने के लिए जो प्लेयर्स थे, जो कंपनीज थी, वो बिल्कुल ही अलग थी, उनको अपने अपने लाइसेंस चाहिए थे और बहुत एक निश लेवल की कंपनीज थी। फिर इंडिया से जब पैसा बाहर जाता है उसके लिए अलग कंपनीज थी। अगर आपको कार्ड बिजनेस करना है तो उसके लिए अलग कंपनीज थी। अगर आपको फॉरेन एक्सचेंज का बिजनेस करना है तो उसके लिए कंपनीज बिल्कुल ही अलग है। एब्सोल्युटली। सो अगर आप ये डिफरेंट बिजनेस के पार्ट्स लेंगे, एजुकेशनल रेमिटेंस करना है, पैसा बाहर भेजना है एजुकेशन के लिए, अलग ही कंपनीज है। प्रीपेड कार्ड है तो अलग है, बिल पेमेंट सर्विसेज है तो अलग है, ट्रेवल प्लेयर्स है तो बिल्कुल ही अलग है, उनका अलग लाइसेंस है। अब और इन सब के पीछे जब ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहा है तो कौन कर रहा है? बैंक्स कर रहे हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कर रहे हैं, राइट? उनको टेक्नोलॉजी चाहिए, राइट? वो अलग ही प्लेयर है हर तरह से, कोई लेंडिंग का अलग प्लेयर है और वेल्थ और एसेट मैनेजमेंट का अलग प्लेयर है,
अगर आप एक बस में जा रहे हैं और टिकट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं तो देखिए अल्टीमेटली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रही है, आप एक टिकट खरीद रहे हैं। राइट। अब उस टिकट में एक स्मार्ट कार्ड यूज हो रहा है, आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, वो अलग ही प्लेयर है। तो मुझे लगा कि कंज्यूमर तो एक ही है, मैंने ही बस में जाना है, मैंने ही ट्रेन में जाना है, मैंने ही एयरलाइन में जाना है, मुझे ही फॉरेक्स खरीदना है और मुझे ही एक लोन लेना है उस बैंक पे जाके। तो ये सब चीजें मुझे लगा अगर हम ये सब असिमुलेट कर दें, सब इकट्ठे कर दें ऐसे, तो कितना अच्छा हो, कंज्यूमर को एफिशिएंसी मिलेगी। करेक्ट। जो बैकएंड पे जो लोग हैं, प्रोवाइडर्स हैं, बैंक्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको एफिशिएंसी मिलेगी, सहूलियत मिलेगी कंज्यूमर को। तो वो मैंने एक ईविक्स कैश का एक ड्रीम रखा सामने और इस ड्रीम में मैंने 26 कंपनीज खरीदी क्योंकि मुझे डिफरेंट लाइसेंसेस भी मिले। तो और बहुत हाई बैरियर टू एंट्री है इन इंडस्ट्री, इजी नहीं है इनमें, इजी नहीं है सारे बिजनेसेस में घुसना। जी हाँ। तो उनको इंटीग्रेट किया, उनको इकट्ठा किया, उनको इकट्ठा करके एक ऐसा एंड टू एंड सर्विस बनाई कि आज कोई और कंपनी नहीं है इंडिया में जो ये बोल सके आपको कि मैं इनवर्ड रेमिटेंस भी कर सकता हूँ, मैं आउटवर्ड भी कर लेता हूँ और फॉरेन एक्सचेंज भी कर लूंगा और कार्ड इंश्योरेंस भी कर लूंगा, ट्रैवल भी कर लूंगा और टेक्नोलॉजी भी दे दूंगा। पूरे बैंक से लेके आज 44 देशों में हम टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहे हैं बैंक्स को। तो वो कौन कर, कोई और नहीं करेगा। तो उसको मैं एयरपोर्ट बोलता हूँ। तो एक बहुत एक ड्रीम रखा है जो एक एमएनसी बनाने का, एक ऐसा एमएनसी बनाए जो इंडिया बैठ के बाहर फैले। मुझे ऐसे नहीं करना है कि एक अमेरिकन कंपनी आके इंडिया में फैल रही है, एमएनसी आते हैं, मैं उल्टा करना चाहता हूँ। एक ईविक्स कैश एक ऐसा ड्रीम है हिंदुस्तान का एमएनसी जो बाहर फैलेगा। क्या बात है। मैं आपके बारे में भी कुछ और समझूंगा, जानूंगा। उससे पहले चूंकि आपने कहा कि आपने शुरुआत की है इस कंपनी की 2017 में, राइट, यानी 4 साल मुश्किल से हुए, इस 4 साल में कंपनी की साइज कहां तक पहुंच गई है? देखिए लगभग अभी 10,000 एम्प्लॉयज हैं इंडिया में ईविक्स कैश में। अगर आप ये ईयर कोविड हिट ईयर है जबकि बहुत बिजनेसेस हमारे ट्रैवल के, फॉरेन एक्सचेंज के, तो ये बिजनेसेस बहुत हिट हुए हैं, मगर उसके बावजूद हम 2021 के कैलेंडर ईयर में अभी हमारा जो रेवेन्यू है ऑन टारगेट है $950 million के। ओके। तो और अगर आप उसका इबिटा देखेंगे तो $100 million के करीब का हम टारगेट में हैं इस साल के लिए। तो मैं काफी प्राउड फील करता हूँ। 26 एक्विजिशन करने के बाद 4 सालों के ऑपरेशन में भी आपकी कंपनी प्रॉफिटेबल है, अनलाइक जनरली यूनिकॉर्न्स या फिर नई कंपनियां जो टेक्नोलॉजी में हैं, जो बड़े एक्विजिशंस करती है, हाई डेट होते हैं, वो लॉस मेकिंग होती है, साइज बनाती है, राइट, कि पहले एक बार साइज बनाएं, पैसे तो बाद में बन जाएंगे। आपका वैसा नहीं अनिल जी। मैं जिस दिन से हम इंडिया घुसे हैं जी, हर दिन, हर महीना, हर क्वार्टर हमने पैसा बनाया है और बहुत अच्छे से पैसा बनाया है, क्योंकि मुझे पैसा बनाने में कोई शर्म नहीं लगती। मुझे लगता है कि अगर आपको एक सस्टेनेबल बिजनेस बनाना है तो सेलिंग प्राइस को हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर होना चाहिए, तभी आप अपने इन्वेस्टर्स के लिए भी जस्टिस करेंगे। सो रोमिन, ये बताइए फिर आप ऐसा क्या अलग ईविक्स कैश में कर रहे हैं दूसरों से, जिसकी वजह से आप शुरुआत से प्रॉफिटेबल भी हैं, साइज भी हो रही है, एक्विजिशन भी हो रहे हैं, इंटीग्रेशन भी हो रहे हैं? देखिए 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी बिजनेस के लिए। एक तो हम टेक्नोलॉजी सेंट्रिक हैं। टेक्नोलॉजी सेंट्रिक का मतलब आपको ये बताता हूँ हमारी नज़र में क्या है। कि आज लोग बोलते हैं कि हम सैस हैं, ऑन डिमांड हैं, हम ये सर्विसेज ऑन द क्लाउड प्रोवाइड करते हैं। ये मैं 2001 में कर रहा था। मैंने 2001 में ऑन द क्लाउड सैस सर्विसेज प्रोवाइड की। सो हम जितनी भी टेक्नोलॉजी डिप्लॉय आज करते हैं, हम उसको सेंटर पे रखते हैं कि सर्विसेज को एफिशिएंट बनाना है। करेक्ट। तो कंपटीशन से कुछ साल मैं आगे रहना चाहता हूं हर टाइम टेक्नोलॉजी में। अब आप उसके बाद देखिए कि आपका दूसरा पार्ट है फाइनेंशियल में, अगर आपको कॉस्ट को कंट्रोल में करना है। करेक्ट। अगर आपको प्रॉफिट बनाने हैं तो आपको अपना रेवेन्यू बढ़ाना है, मगर आपको कॉस्ट को कंट्रोल में रखना है और आपके बजट प्रेडिक्टेबल होना चाहिए। टेक्नोलॉजी को लेके कि इंटीग्रेशन हमने बहुत टाइट इंटीग्रेशन किया। और चौथा था जो विजन, हमारा विजन हमेशा से ये रहा है कि पैराडाइम शिफ्ट, हमें मार्केट को नया बनाना है। हम मार्केट में वो नहीं कर रहे जो ए प्लेयर ए ने किया और प्लेयर बी ने किया, हम भी आके कर लेते हैं और कम्पीट करते हैं। हम मार्केट क्रिएट कर रहे हैं, हम कंज्यूमर को आगे उसका लाइफस्टाइल चेंज करना चाहते हैं, तो हम नई चीजें कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, कन्वर्ज। जब से एयरपोर्ट का कॉन्सेप्ट है, जैसे जब मैं ये 26 कंपनी खरीद रहा था तो बहुत लोग सोच रहे थे तो बड़ा बेवकूफ आदमी है, ये कर क्यों रहा है, इसको कभी रेमिटेंस खरीदता और कभी फॉरेक्स और कभी कार्ड बिजनेस। मगर उन्हें नहीं समझ आ रहा था, बिकॉज वो नहीं हुआ था कभी कि किसी ने कोई सब चीजें इंटीग्रेट कर दी हो। अल्टीमेटली वो आप इंटीग्रेट करेंगे तभी तो वैल्यू मिलेगी कंज्यूमर को। एब्सोल्युटली।
हाँ, आज तक ये हार्डली किसी ने सोचा कि एयरलाइंस भी खरीदे और एयरपोर्ट भी, यानी या तो एयरपोर्ट ही बना ले या एयरलाइंस बना ले। तो ये एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट जो हिंदुस्तान के फाइनेंशियल मार्केट में, टेक्नोलॉजी के मार्केट में होने जा रहा है, वो है इबिक्स कैश के जरिए। तो आइए, आपने इबिक्स कैश को थोड़ा बहुत जाना पहचाना, लेकिन रॉबिन रैना है कौन भाई, जरा उन्हें भी जाने पहचाने, और साथ ही इबिक्स कैश की आगे क्या प्लान्स है उस पर भी आपसे करते हैं बातचीत। तो दुनिया भर में धूम मचाने वाली कंपनी इबिक्स और उसके बाद हिंदुस्तान के बाजारों में छा जाने वाली इबिक्स कैश के बारे में आपने थोड़ा बहुत जाना पहचाना। अब आइए रॉबिन रैना के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। कश्मीर में पैदा हुए, पंजाब में पढ़ाई की, अटलांटा पहुंच गए और उससे पहले सिंगापुर में एक छोटा सा स्टॉप भी लिया, और अब दिल्ली में भी हैं। तो रॉबिन, सबसे ज़्यादा दिल कहाँ लगता है? देखिए, हिंदुस्तान में ही दिल लगता है मुझे तो मतलब पहले भी जब मैं दिल्ली में आता था अमेरिका से, तो मुझे कई बार लोग बोलते थे कि यार आप इतने ट्रैफिक में, इतना शोरगुल में, आपको कुछ कैसे आपको पसंद आता है? तो मैंने बोला जब मैं एयरपोर्ट से उतरता हूँ और वो हल्का सा कई बार धक्का पड़ता है बाहर निकलते हुए, तो मैंने कहा एक अपनेपन की फीलिंग आती है, अपने देश में आ गया हूँ, बड़ा कम्फर्ट आता है। तो मेरा तो ऐसी फीलिंग है कि जो देश की मिट्टी होती है ना, वो अलग ही होती है, जेन्युइनली वो एक अलग फीलिंग है। और दूसरा ये कि हिंदुस्तान में आकर आप जिस तरह की चैरिटी कर रहे हैं, फिलैंथ्रोपी कर रहे हैं, कई सारे ऐसे काम कर रहे हैं, ये कहाँ से शुरू हुआ कि यहाँ पर ये सब करने की ज़रूरत है और क्या कुछ कर रहे हैं, थोड़ा वो बताइए। देखिए, 2003 में जी मैं इंडिया आया हुआ था और हमारी एक नोएडा में एक बिल्डिंग थी 16 सेक्टर में, तो पाँचवें फ्लोर की बिल्डिंग पर गया और कुछ सोच रहा था एब्सेंट माइंडेडली, और मुझे पीछे स्लम दिखे और मेरे आंसू आ गए। मैं नीचे आया तो मेरे एक चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर थे, उन्होंने पूछा कि आप रो क्यों रहे हो, आप तो इंडियन हो, स्लम रोज देखते हो, तो इसमें रोने की क्या बात है? मैंने कहा नहीं, रो इसलिए नहीं रहा हूँ स्लम दिखे हैं, रो इसलिए रहा हूँ कि मैं 2 साल से इस बिल्डिंग में आ रहा हूँ मगर मुझे स्लम दिख नहीं रहे थे। मैंने कहा मैं तो अपने देखने की शक्ति ही खो बैठा हूँ, इतना वो पावर किक और मनी के चक्कर में और बिजनेस के चक्कर में इतना घुस जाते हैं हम कई बार कि हम अपनी आंखों से देख ही नहीं पाते हैं। तो उसी समय एक आइडिया आया कि यार कि जिंदगी में क्या अचीव किया है मैंने, ये बिजनेस तो सभी कर लेते हैं, तो मुझे लगा कि एक जो स्ट्रेंथ गिविंग में है, देने में जो स्ट्रेंथ है जी, वो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। और हमेशा मैं ये बिलीव करता था कि अभी भी करता हूँ कि कफन की कभी जेब नहीं होती, तो मुझे लगा कि मुझे एक फाउंडेशन क्रिएट करनी चाहिए जो कि मेरे को भी सर्वाइव करे, कि मेरे जाने के बाद भी एक लोगों को, बच्चों को स्माइल लाती रहे। तो रॉबिन रैना फाउंडेशन 2003 में बनी कि बच्चों की परवरिश के, गरीब बच्चों की परवरिश के लिए। तो आज हमारे स्कूल हैं पूरे इंडिया में, हजारों बच्चों की हम परवरिश करते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, एजुकेशन, हेल्थ केयर वगैरह देखते हैं। एक चीज जो मैंने इस ऑफिस में आने के बाद नोटिस की कि सबसे ज्यादा, और जब आप ऑफिस मुझे घूम कर दिखा रहे थे तो हर जगह हमने हमारे एम्प्लॉयज के लिए ये कैंटीन इस तरह से बनाई है, यहाँ बैठने की जगह है, यहाँ उनके एंटरटेनमेंट का जोन है, ये उनके लिए थिएटर है, ये उनके लिए जिम है। मतलब ये एम्प्लॉयज के लिए इतना सोचना, आई थिंक बहुत हिंदुस्तान में ऐसे बहुत सारे कॉरपोरेट्स हैं नहीं, शायद अमेरिका में गूगल वूगल आप मान लें। तो ये थॉट प्रोसेस आना अपने आप में बड़ी बात है, ये कहाँ से आया विचार? देखिए, एक एंटरप्रेन्योर जो होता है वो उतना ही अच्छा दिखता है जितना उसके एम्प्लॉयज उसको बैक करते हैं। एक एम्प्लॉयज के बिना मेरा कोई वजूद नहीं है या मेरे बिजनेस का कोई वजूद नहीं है। जितना हमारी कंपनी अगर कहीं चल रही है तो उसके पीछे सारे एम्प्लॉयज ही हैं, तो हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है कि जिसमें एक एम्प्लॉय एम्पावर्ड फील करे। वो जब एक दफ्तर आता है, देखिए एक हर इंसान की जिंदगी में अगर आप देखेंगे, आपकी और मेरी जिंदगी में भी, हम कितना काम करते हैं और कितना टाइम हम स्पेंड करते हैं ऑफिस में, तो आप ये देखिए कि एक मेजर पार्ट ऑफ आवर लाइव्स, एक बड़ा पार्ट अपनी जिंदगी का हम ऑफिस में स्पेंड कर लेते हैं जी। तो उसको अगर हम अच्छा नहीं बनाएंगे तो वो कैसे चलेगा? तो मुझे लगता है कि एक एनवायरनमेंट जो ऑफिस का वर्क एनवायरनमेंट है, उसको अगर थोड़ा स्ट्रेस तो होगा काम में, राइट, उसको अगर थोड़ा कम स्ट्रेस करें, थोड़ा फन ओरिएंटेड, थोड़ा सा अच्छा एनवायरनमेंट दें कि लोग जब आए उनको लगे, उनको इतना अच्छा लगे कि वो कहें यार यहाँ पे तो मजा आ रहा है काम करके, राइट। सो वो काम करने में फिर अलग ही बात हो जाती है। तो वही हमारी कोशिश है इंडिया में कि ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें कि लोग खुश रहें। तो
जब मैं ये बात कह रहा हूँ कि एक ऐसा ऑफिस है जो आपने कभी देखा नहीं होगा, तो मैं आपको एक ऐसी जगह दिखाना चाहता हूँ जो किसी एमडी की आपने देखी नहीं होगी, किसी प्रमोटर या फाउंडर की देखी नहीं होगी, कि क्या ऐसी भी कैबिन होती है जहाँ से बैठकर रॉबिन रैना इतने बड़े बड़े फैसले लेते हैं कि कारोबार कहाँ बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है, किस कंपनी को अक्वायर करना है, इंटीग्रेट करना है, सिनर्जी बनाकर आगे बढ़ाना है। चलिए आपको वही वाली जगह दिखाते हैं हम, और वहाँ पर हम जानेंगे इबिक्स कैश हिंदुस्तान की ये जो बड़ी ई कॉमर्स कंपनी अब आगे की किस तरह की योजनाएं बना रही है। और एक और चीज, आईपीओ आने वाला है, अब आपका इंटरेस्ट और बढ़ेगा, चलते हैं वहां पर। तो यही वो जगह है, यही वो कैबिनेट जहां से इबिक्स कैश के हिंदुस्तान के ऑपरेशंस पूरी तरह से डिसाइड होते हैं कि क्या करना है, किस डायरेक्शन में करना है और कितना बड़ा करना है। आपको विश्वास नहीं हो रहा ना कि किसी एमडी की कैबिन ऐसी हो सकती है जहाँ दो बेहतरीन बाइक्स हो और मतलब एक अलग ही तरह का माहौल हो, तो ये डिसीजंस लेने में आपको बड़ी मदद मिलती है इस एनवायरनमेंट से। रोबिन, देखिए मेरा विचार हमेशा से ये रहे हैं कि जो भी काम करें थोड़ा अलग हट के करें, एक डायनामिज्म क्रिएट करनी है। ये बाइक्स जो हैं ये कन्वे करते हैं एक चेंज, एक डायनामिज्म एक बिजनेस की। तो हमारे हम डील किन से करते हैं, हम यंग लोगों से डील करते हैं, और यंग लोग जब ऐसी चीज़ें देखते हैं और देखते हैं एक एनवायरनमेंट ऐसा देखते हैं तो उनको भी थोड़ा बड़ा अच्छा लगता है कि यार हम एक यूथफुल यंग कंपनी में हैं। तो एक एक कल्चर कन्वे करने की कोशिश है इन इन चीज़ों से। सारा फायदा इंडियन कस्टमर्स को मिल रहा है, राइट? आपकी कंपनी इतनी ग्रो करने वाली है, कर भी रही है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, फिर इंडियन इन्वेस्टर्स को फायदा कैसे होगा? आईपीओ लाने की तैयारी है, सोच रहे हैं इस बारे में, जरा उसके प्लान्स बताइए। देखिए आईपीओ हमारा प्लान है कि जैन और मार्च के पीरियड में हम आईपीओ लाने का सोचा है हमारी। तो हम डीआरएचपी नवंबर एंड में सोचा है, हमने नवंबर एंड या दिसंबर में कभी फाइल करेंगे, तो जैन से मार्च का पीरियड में आईपीओ करेंगे। तो कोशिश तो यही है कि इस कंपनी को बड़ा बनाएं और जितना प्रॉफिटेबल रखे उतना अच्छा है। लेकिन रोबिन एक चीज़ बताइए, आमतौर पर मैंने देखा ये इसमें है ना, एक टर्म देता हूँ, नए ज़माने के बिजनेस, ये ना बिल्कुल अलग तरह के ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स वाले जो बिजनेसेस हैं आमतौर पर लॉस मेकिंग होते हैं, राइट? लोग फोकस इस बात पर करते हैं कि साइज बड़ी की जाए और भारी भरकम डेट होता है। आपकी कंपनी ने 26 एक्विजिशन कर लिए, उसके बावजूद आप ऑलमोस्ट डेट फ्री है, राइट? प्रॉफिट मेकिंग भी है जी, रेवेन्यू भी अच्छा खासा बना रहे हैं। फिर क्या पर्पस है कि आप लिस्ट करवाना चाहते हैं? पैसे की भी आपको मुझे नहीं लगता है कोई खास जरूरत है, फ्री कैश फ्लोज आपके काफी हेल्दी है, तो फिर लिस्ट क्यों करवाना चाहते हैं? देखिए एक जब हम बिजनेस को इंटरनेशनल लेके जाएंगे तो हमारे को इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मींस दोनों चाहिए होंगे। तो आप एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर मुझे फ्रांस घुसना है और फ्रांस में फाइनेंशियल हब इबिक्स कैश की लेके जानी है, तो एक तरीका है कि मैं अपने बिजनेस को लॉन्च करूँ इबिक्स कैश को और फिर वहाँ से ग्रो करूँ ऑर्गेनिकली, आहिस्ता आहिस्ता करके। उसमें टाइम लगेगा क्योंकि फ्रांस का जो कल्चर है पहले हमें वो समझना है। तो उसका एक फास्टर तरीका है, फास्टर तरीका ये है कि हम एक फ्रेंच कंपनी को पहले अक्वायर करेंगे जिसकी लोकल रिलेशनशिप होंगी, लोकल बैंक से, लोकल इंश्योरेंस कंपनी सबसे रिलेशनशिप होगी, फिर उस कंपनी को हम इबिक्स कैश का नाम देके उस कंपनी को आगे ऑर्गेनिकली ग्रो करेंगे, उसको बैक करेंगे, तो अब उसके लिए कैश की जरूरत होगी। सो हम जो आईपीओ करना चाहते हैं, हमारा मेन मंतव्य है कि ये जो हमारे इंटरनेशनल प्लान्स हैं ग्रोथ के उसको हम फंड कर पाएंगे ऑर्गेनिकली और एंड इनऑर्गेनिकली। और आमतौर पर जो आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि जनरली मतलब कई सारी कंपनियां मैंने देखी, बड़ी बड़ी कंपनियां जिंदगी भर अपने एक्सपांशन प्लान लाती है, ग्रोथ प्लान लाती है, करती है, एक्विजिशंस में जाती नहीं क्योंकि बड़ा मुश्किल काम है। पहले वैल्यू करो, खरीदो, नेगोशिएशन वगैरह होते हैं, फिर उसे आप मर्ज करो, सिनर्जीज लाओ, अलग कल्चर है, अलग कंट्रीज है, अलग तरह के एम्प्लॉयज है, मतलब इतने 26 एक्विजिशन और इस साइज पर पहुंचने का, तो कैसे कि आपने ये 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 सबसे बड़ी चीज़ ये कैसे हुई और क्या आगे भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों तरह से ग्रोथ प्लान्स रहेंगे कंपनी के? देखिए मेरा 22 साल हो गए मुझे इबिक्स में, मैं चेयरमैन हूँ इबिक्स का ग्रुप का, और इसमें मैंने 56 कंपनीज में अक्वायर कर चुका हूँ। अब तक 56 कंपनीज में अक्वायर कर चुका हूँ। और एक साइंस है अक्वायर करने में जी, कि अगर आपकी सोच बड़ी क्लियर है कि मुझे इंटेग्रेट करना है, मुझे सब कुछ सेंट्रलाइज करना है, मैंने कोई भी कंपनी खरीदी चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में खरीदी थी या किसी भी या लैटिन अमेरिका में खरीदी,
उसकी टेक्नोलॉजी इंडिया में डाल दी, उसका जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी था वो इंडिया में डाल दिया, पहली चीज ये करी, फिर उसको पेपरलेस बनाया, उसके बाद सारे सिस्टम्स जो चेक्स एंड बैलेंसेस डाल दिए कि फाइनेंशियल में कि कहीं भी कुछ खर्चा होगा तो उस खर्चे को चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए, अप्रूवल प्रोसेसेस होने चाहिए और वो पेपरलेस होना चाहिए। अगर आप ये चीज़ें करेंगे, सिंपल चीज़ें हैं, कोई मुश्किल नहीं है, और इसको एक रिलीजन की तरह फॉलो करेंगे तो आपके प्रॉफिट आएंगे, अपने आप आएंगे, आप जितना असिमुलेट करेंगे और सर्विसेज इंटीग्रेट करेंगे। और दूसरी बड़ी, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जिस बिजनेस में घुस रहे हैं उसको आप रिकरिंग कैसे बनाएं, क्योंकि क्या होता है कई बार लालच आता है कि एक चीज को मैं अगर बेचने की कोशिश करूं कि हो सकता है कि मुझे एक चीज का 100 रुपए अभी मिल जाए, और दूसरा तरीका है कि मैं बोलता हूं मुझे आप कुछ नहीं दीजिए, मैं आपको 100 रुपए के बदले आप मुझे 5 रुपए दीजिए अभी, मगर मैं 5 रुपए आपसे लेता रहूंगा हर महीने एन्यूटी इनकम। तो मैंने एन्यूटी में इन्वेस्ट किया, तो एक डिफरेंट थिंकिंग थी कि आईपी बेचूंगा ही नहीं, सब ट्रांजैक्शन बेस्ड होगा और सब्सक्रिप्शन बेस्ड होगा। तो वो लॉन्ग टर्म डिसीजन लिए, वो एक प्रोसेस बन गया और उससे एक बिजनेस का एक एक स्प्रिंग की तरह बिजनेस चलता रहता है, एक स्प्रिंग चल रहा है, पानी निकलता रहता है, तो वो एक कॉन्फिडेंस देता है। फिर आप नए बिजनेस में जाते हैं, उसको फिर स्प्रिंग बनाने की कोशिश करते हैं। तो मेरा ये बेसिक मानना था और इसी को पकड़ के मैंने एक्विजिशंस करी हैं ऑल थ्रू माई करियर। तो एक सेंटेंस में बताऊँ जो डिफरेंस है रॉबिन रैना में और शायद दूसरे कई प्रोमोटर्स में जो शायद इनऑर्गेनिक एक्सपांशन नहीं कर पाते हैं। आपने एक सेंटेंस कहा कि बड़ा आसान सा काम है ये कर लेना। सो आमतौर पर ये कहते हैं कि कहना आसान है करना मुश्किल है, आपकी थॉट प्रोसेस ये है कि करना आसान है और कहना शायद मुश्किल है, और आई एम श्योर इसी वजह से इबिक्स कैश इस लेवल तक पहुँची है और आगे भी बहुत बड़ी ग्रोथ की जो अपॉर्चुनिटीज़ हिंदुस्तान में है, पूरी दुनिया भर में, उसका फ़ायदा इबिक्स कैश जरूर उठाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और हमसे बात करने के लिए। तो ये थे रॉबिन रैना, प्रमोटर और फाउंडर इबिक्स कैश के, जो बताते हुए अपनी कंपनी की बड़ी योजनाओं के बारे में, आईपीओ आने की तैयारी है, कंपनी के बड़े एक्सपांशन प्लान्स है, और इस पर हम और आप लगातार बात और मुलाकात करते रहेंगे। धन्यवाद आप सबका भी जी मीडिया के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच।